दोस्तों आज मैं आपको मैथ का पेज नंबर 25, 26 और 27 समझाऊंगा। पहले इधर यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, तो 25 पेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये यूनिट नंबर 3 लिखा है। मैं आपको पेज समझाता हूँ। इस 26 पेज नंबर में पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आते हैं। पहले फैक्टर्स में यह आएगा, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ये देखें, ये 2 है, ये 2 9 जर 18, ये कम्प्लीट डिवाइड हो गया, ये 2 18 का फैक्टर है इस और 9 में। 3 और 18, 3 6 जर 18, ये 3 का 18 का 3 फैक्टर है, और ये 6 भी ऐसे 9 और ये 18, ये सब इसके फैक्टर है। पहले 1 लिखेंगे, फिर ये 2 का है, फिर ये 3 का है, 6 का है, 9 का और ये 18 का है। इसकी डेफिनेशन, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ये इधर तक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है मल्टीपल्स। इसकी डेफिनेशन, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर आर कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 4 6 8, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 12। वो सारे नंबर जो उस गिवन नंबर पे डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 1 जर 2 2 2 जर 4 2 3 जर 6 2 4 जर 8, ये आगे सोन है वो, जैसे कि इस तरह के, और 3 में 3 1 और 3 3 2 जर 6 3 3 जर 9 और 3 4 जर 12, इस तरह के मल्टीपल्स कहलाते हैं। इधर भी है 2 का, इधर है टेबल 2 वन जर 2 2 4 2 2 जर 4, इधर 3 का है और इधर 9 का है। अब ये पेज भी कंप्लीट हो गया, मैं आपको अगला पेज समझाता हूँ। इस पेज में पेज नंबर 27 में टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स है। पहले टाइप है इवन नंबर, सेकंड है ओड नंबर, थर्ड है प्राइम नंबर और फोर्थ है कंपोजिट नंबर। पहले इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर कहलाते हैं, जैसा कि इधर 2 4 6 8 और आगे सोन है, इसके बाद 2 4 6 8 के बाद 10 12, जिन डिजिट्स के एंड पे 0 2 4 6 या 8 आए वो इवन नंबर होते हैं। इस इवन नंबर को, इस इवन नंबर के सेट को अगर डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर ई से करते हैं। सेकंड है ओड नंबर। इसकी डेफिनेशन है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर कहलाते हैं, जैसा कि 1 3 5 7, इस तरह के 0 2 4 6 8 के अलावा जो है, मतलब 1 3 5 और 7। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्राइम नंबर। अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। वो नंबर जिसका एक 1 फैक्टर और वो एक खुद ही हो, जैसे कि 2, एक 1 2 ज़र 2 और एक 2 1 ज़र 2 और इसका कोई फैक्टर नहीं है, 3 1 3 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3 और इसका कोई फैक्टर नहीं है, 5 का भी 1 5 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5, 7 का भी, 11 का भी और 13 का भी। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। उसमें 1 होता था फैक्टर और वो खुद, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं था। इसमें 1 और 2 के अलावा भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4, इसका फैक्टर है 1 पहला, फिर 2 2 2 दर 4, फिर है 4, इस तरीके से इसके 3 फैक्टर, एक भी और फैक्टर आ जाए तो ये कंपोजिट नंबर बन जाता है। 6 के भी 2 भी है फैक्टर 1 और 4 के अलावा, और 3 भी है। 8 के पहला है 1, सेकेंड है 2, फिर है 4 और नेक्स्ट है 8, उसके खुद के और 1 के अलावा भी 2 फैक्टर, एक फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब ये पेज भी कंप्लीट हो गया, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।